मैथ्स के अंदर कॉनिक सेक्शंस हम स्टार्ट कर चुके हैं, सेवन चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 का पैराबोला हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। इसके पहले मैंने पैराबोला का बेसिक्स आपको बता दिया है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ पर 5 सब क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है। पैराबोला जो होता है उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें होती है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट रेक्स, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो 5 सब क्वेश्चन है, 5 इक्वेशन दिए हुए, 5 पैराबोला दिए हैं, मतलब उनके अंदर ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो कोई एक अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है, जैसे कि ये होता है y² = 4ax, यहाँ पर देखेंगे कोई एक अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है उसके लिए जो फोकस होता है a, 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्स x + a = 0, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज 4a, एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम इज a, ± 2a, ये होता है। तो ये जो आपको इतना याद होगा तो आप कर पाओगे। चलो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट के अंदर फर्स्ट ये करके देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले 5y² = 24x, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड होता है इक्वेशन y² = 4ax होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो इक्वेशन है इसको हमेशा इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। कैसे लाएंगे, देखो 5 × है, y² = 24, 5 इस तरफ आएगा, डिवाइड बाय 5x। अब दोनों देखो इसके साथ कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ दिस y² = 4ax। अब क्या होगा, y² और x कंपेयर किया हमने, तो जो 4a है दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर 4a, x के साथ 4a है यहाँ पर, और x के साथ है 24/5, इस तरह से कंपेयर किया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 इस तरफ आया, तो 24/5 था, 4 × है, यहाँ आके डिवाइड हो गया, 4 से कैंसिल किया, 4 × 6 = 24, सो a इज वॉट 6/5। इस तरह से सबसे पहले हमारा एम होगा a की वैल्यू फाइंड करना। अब हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले फोकस। सो फोकस पता ही आपको, फोकस होता है s एंड इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0। यहाँ से देख लो, सबसे पहले मैंने आपको बताया फोकस जो होता है a, 0 होता है। सो फोकस a, 0 इज वॉट, a 6/5, 0। तो जो सबसे पहला रिक्वायर्ड था फोकस वो आ चुका है। सेकेंड इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो आप लिखोगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x + a = 0, सो आप लिखने वाले हो इज x + a = 0, तो x + a कितना है, देखो 6/5 = 0, इस तरह से रखो, या तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा। नेक्स्ट हमें पूछा गया है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ये सब चीज़ें आपने देखा था क्या होता है, l डैश बोलते हैं, 4 times a होता है। यहाँ से देखोगे लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम मैंने बताया था 4a, सो 4 × a वैल्यू इज 6/5, सो 4a 4 × 6/5 4 6 = 24/5। तो ये लैटस रेक्टम का लेंथ आ चुका है। इसके बाद है हमें एंड पॉइंट्स ऑफ LR यानी लैटस रेक्टम, तो आप लिखते हो एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम R क्या था, देखो यहाँ पर एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम a, ± 2a, सो आप लिखोगे a, ± 2a, दैट इज a इज वॉट 6/5 6/5 ± 2a 2 × 6/5 यानी 12/5। इसको सेपरेट भी आप करके लिख सकते हो, दैट इज करके 6/5 12/5, एंड एक बार प्लस की एक बार माइनस करो, 6/5 −12/5। तो ये एंड पॉइंट आ गए लैटस रेक्टम के। अब इसके अंदर देखते हैं आगे क्या है, और भी कुछ क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, जो पैराबोला हम लोग कर रहे हैं जनरल पैराबोला, इसके बेसिक्स में मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी। इस तरह से होता है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वर्टेक्स बोलते हैं इसको, 0, 0 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको बोलते हैं, और ये जो होता है इसको टेंजेंट बोलते हैं यहाँ पर इस पैराबोला का। यहाँ पर ये फोकस होता है आपने देखा ही था a, 0, और यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स होता है जिसका इक्वेशन होता है x + a = 0। ये पैराबोला एकदम अपने दिमाग में फिट कर लो, यही सारी चीज़ें। लैटस रेक्टम के लिए मैंने बताया था ये जो फोकस है यहाँ से एक पैरल लाइन जाती है, ये होता है l, l' जिसका लेंथ होता है 4a। तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, याद रखना आपको। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड है। कैसा है देखो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था y² = 24x, ये रिलेटेड था y² = 4ax, ये जो था, कभी भी याद रखो y² = 4ax है, मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला है ये वाला पैराबोला है जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन जैसे ही y² = −20x आ गया, आपको पता है कि 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, एक ये होता है, दूसरा
इस तरह से, दूसरा जो है इस तरह से होता है ऐसे, जो थर्ड वन होता है वो अपसाइड एंड फोर्थ वन जो होता है वो डाउनवर्ड, इस तरह से फोर पैराबोला होते हैं। ये जो था वाई स्क्वायर इजक्वल टू फोर एक्स ऐसे था, यहाँ माइनस आ गया मतलब ये पैराबोला है। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी जो आपने बेसिक्स में मैंने यहाँ बताया था, माइनस हो जाएगा सारा, जो ए है वो निगेटिव हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं, इसको कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इजक्वल टू माइनस माइनस फोर ए एक्स से, इससे कंपेयर करोगे लिखने का पार्ट आप करो तो ये फोर ए जो आ जाएगा, फोर ए इज इक्वल टू ट्वेंटी, ए इज इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन फोर दैट इज फाइव, ए फाइव आ गया। अब क्या होगा, सारी चीज़ें निकालना है। अब इसके लिए आपने सिर्फ फॉर्मूले सब याद कर लिए थे, क्या क्या आएगा, जैसे कि फोकस, फोकस जो होता है, फोकस होता है माइनस ए कॉमा जीरो, इस तरह से फोकस होता है, दैट इज माइनस ए मतलब माइनस फाइव कॉमा जीरो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सारे फॉर्मूले अब चेंज हो जाएंगे, यहीं पर चेंज करके बताता हूँ। ये माइनस अगर यहाँ पर है तो ये माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, लेंथ यही रहेगा, और ये जो ए है ये निगेटिव हो जाएगा सिर्फ। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्स माइनस ए, ए इज वॉट, एक्स माइनस ए जीरो होता है, दैट इज एक्स माइनस ए फाइव है, फाइव इक्वल टू जीरो, इस तरह से। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एल आर मतलब लेटस रेक्टम, तो ये हमेशा 4a होगा, लेंथ कभी भी पॉजिटिव होता है, याद रखो 4a, 4 इंटू ए इज वॉट 5, 4 फाइव ज़ा 20। फाइनली एंड पॉइंट ऑफ LR, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये क्या होता है, यहाँ पर देखो ये निगेटिव वाले के लिए माइनस ए प्लस माइनस 2a था, सो दैट इज कोऑर्डिनेट लिखते समय 3 टाइम्स डैश देना होता है, माइनस ए, ए इज वॉट 5, प्लस माइनस 2a, 2 फाइव ज़ा 10, तो ये हो गया। इसको स्प्लिट करोगे तो क्या जाएगा, दैट इज माइनस 5 प्लस 10 एंड माइनस 5 माइनस 10। तो इस तरह से ये है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हुआ, दो अलग अलग टाइप के पैराबोला थे। अभी देखो ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये थर्ड वाला जो है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, ये कौन सा पैराबोला है, ये इस तरह का पैराबोला होगा, यहीं पर देखते ये इस तरह का पैराबोला होगा 3x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by इक्वेशन यहाँ पर लेना है। जो फोर्थ वाला है वो कैसा है, ये इस तरह से डाउनवर्ड होगा, इस तरह से ऐसे, क्योंकि ये माइनस है, माइनस है, तो इसको कैसे कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by, यहाँ पर देखते हैं अगर ये इक्वेशन चेंज हो जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by, तो फोकस हो जाएगा 0, -b, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा हो जाएगा वाई माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा 4b, और एंड पॉइंट हो जाएगा, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम जो इसके अंदर होगा, यहाँ पर देखोगे ये जो है ये यहाँ पर b है, ये ऊपर प्लस b नीचे माइनस b, और ये प्लस 2b माइनस 2b, इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा देखो, प्लस माइनस 2b कॉमा b, इस तरह से एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम होगा। अब ये जो है आप खुद से करना, ये बताता हूँ मैं, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने चेंज कर दिया है एच पर दिस पैराबोला, जो भी पैराबोला दिया उसके अकॉर्डिंग ये जो प्लस माइनस या ए और बी चेंज होता है। यहाँ पर अभी कंपेयर करेंगे दोनों फॉर्मूले को, तो क्या आ जाएगा, 4b इज इक्वल टू, देखो वाई माइनस माइनस वाई वाई, 8 और 4b इक्वल हो गया, सो बी इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 दैट इज 2, तो हमें b मिल गया। अभी सारी चीज़ें पता करना है, फोकस देखेंगे, फोकस फोकस कैसे आएगा, 0, -b, सो दैट इज 0, -b मतलब माइनस 2। अभी नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है देखो, y-b, सो y-b 0, दैट इज बोलते हैं इसको, y-b कितना था 2, तो y-2 इज इक्वल टू 0, इसको इस तरह से बॉक्स कर दो। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अब लेटस रेक्टम ऐसा होगा ऐसा, तो ये क्या होगा 4b, 4 इंटू b वैल्यू क्या थी 2, तो 4 2 ज़ा 8, और फाइनली एंड पॉइंट्स ऑफ LR लेटस रेक्टम क्या थे देखो, +-2b, r +-2b, यहाँ पर माइनस b है, हाँ ये निगेटिव भी है, माइनस b है, डाउनवर्ड है, तो माइनस b, सो आ जाएगा प्लस माइनस 2b मतलब 2 इंटू 2, 4, -2, दैट इज क्या है मतलब +4, -2 एंड -4, -2,
टू। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था फोर्थ वो करना है। जो थर्ड वाला ये प्लस वाला है सेम, ये माइनस था प्लस वाला है, ऐसा पैराबोला है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, ये याद रखना है। और ये जो फिफ्थ है वो सेकेंड की तरह है सेम, इसके साथ जैसा करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसके अंदर। ये जो मैंने बॉक्स में दिया है इतनी चीज़ें निकालनी होती है आपको हर एक टाइप के पैराबोला में, वो याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन सेकेंड है थोड़ा अलग है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हमें इक्वेशन पूछा गया है। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर वन था उसमें इक्वेशन दिया हुआ था और दिए हुए इक्वेशन के अंदर से हमें बाकी चीज़ें निकालनी थी, फोकस वगैरह सब। यहाँ पर कुछ कंटेंट दिया हुआ है और इक्वेशन निकालना है पैराबोला का विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन। सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करो ऐसे, ओके, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब इसमें इसको एडजस्ट करो, वर्टेक्स एट ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ पर वर्टेक्स है, ओके, एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, यानी जो एक्सिस है वो ये वाई एक्सिस के अलोंग है। वाई एक्सिस है इसका मतलब हमारा पैराबोला ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ओके, यानी कि इन दोनों में नहीं होगा, ऐसे होगा, अपर या लोअर होगा पैराबोला। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -10, -5। अब ये पॉइंट किस कहाँ पर आएगा वो देखते हैं। -10 यहाँ निगेटिव इधर आएगा और -5 यहाँ पर, यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में -10, -5। अब ये जो पैराबोला है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस ये रहा, यानी कि जो हमारा पैराबोला है, समझो ये पॉइंट यहाँ पर है, ये वर्टेक्स है, इस तरह से पैराबोला होगा बिकॉज ये पॉइंट दिया हुआ है। इससे हमने पहचाना कि ये लोअर पैराबोला है, ओके, लोअर पैराबोला है। अब कैसे करेंगे देखो, सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। सिंस वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एट ओरिजिन, इस तरह से आपको लिखना चाहिए, एंड इट इज अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है और ये वाई एक्सिस के अलोंग है, देयरफॉर पैराबोला, रिक्वायर्ड पैराबोला कैन बी अपर और लोअर पैराबोला, यानी जो रिक्वायर्ड पैराबोला है वो या तो अपर होगा या लोअर पैराबोला होगा, सिंस इट इज पासिंग थ्रू, सिंस इट इज पासिंग थ्रू -10, -5, देयरफॉर इट इज अ लोअर पैराबोला, एज पर डायग्राम आप देख रहे हैं यहां पर, एंड इट्स इक्वेशन विल बी, अब देखो इस पैराबोला का इक्वेशन कैसे लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ये जो पैराबोला है इसका जो वर्ट ये टेंजेंट है वो क्या है, x, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, और लोअर साइड है तो माइनस लेते हैं, ठीक है, अगर ये अपर होता तो प्लस में आता, तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by, ये इक्वेशन आने वाला है। लेकिन यहाँ पर x और y तो ठीक है, इक्वेशन में x y आते हैं, बट b तो अननोन है, b की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो पैराबोला है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की वैल्यू -10 रखो और y की वैल्यू -5। यहाँ पर हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -10 एंड y इज इक्वल टू -5, देखेंगे क्या आएगा, x की जगह -10 रखा -4by एंड y की जगह पर रख दिया -5, देखते हैं क्या होता है। -10² = 100, -++4, 5 = 20 b। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, देखो b 20 इस तरफ आया तो डिवाइड हो गया, b इज इक्वल टू 100/20, 25 जा, यानी b आ गया 5, b की वैल्यू मिल गई। जो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था यहाँ b की वैल्यू रख दो, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या है, देखो x square is equal to -4by, 4 into b, b कितना है 5 into y, तो क्या आ गया, देखो x square is equal to -4, 5 = 20y। तो ये हमारा जो इक्वेशन था पैराबोला का वो आ चुका है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, टेक्स्टबुक में क्वेश्चन को देखिए आप लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन, जो वर्टेक्स है ओरिजिन पर है एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 3, 4, बिल्कुल सेकेंड जैसा ही है। हिंट देता हूँ आप खुद से करेंगे इसको, ज़्यादा लिखना भी नहीं है इसके अंदर, आप
इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कीजिए, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इस तरह है पैराबोला। ये पासिंग थ्रू पॉइंट दिया 3.4, दोनों प्लस है, कहाँ पर आएगा देखो, यहाँ पर कहीं तो होगा 3.4, ओके, दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि अब एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस, इसके अलोंग है, यानी ऐसा तो होगा नहीं, ये पॉइंट आना चाहिए, इसलिए ऐसे होगा, ये ऐसे होगा पैराबोला, ओके, यहाँ वर्टेक्स से जाएगा इस तरह से। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड पैराबोला है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब क्या करोगे, वाई और एक्स, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 4 रखना, वाई की जगह 4, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a × 3, और सॉल्व कर दो, आपको मिल जाएगा a की वैल्यू मिलेगी 16/12 इज इक्वल टू a, सो 4 3 4 4 a आया 4/3। और हमें क्या करना था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला इस क्या था देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × a, ए इज 4/3x, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16/3x। काफ़ी आसान है, बिल्कुल सेकेंड जैसा ही थर्ड है, फोर्थ वाला भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग है, वैल्यूज दिए क्या देखो, फोर्थ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 0 0 एंड फोकस इज गिवन। देखो जो फोकस होता है, फोकस जनरली ये -7 0 है, मतलब -1.0 इस तरह से, इसके साथ आप कंपेयर करना। सो ये पहला जो a होता, अगर यहाँ पर होता तो b लेते, तो -a = -7, देयरफॉर a = 7। फोकस से पता चलेगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला, जो पैराबोला है उसका इक्वेशन क्या होगा, माइनस है, मतलब y² = -4ax। यहाँ पर याद रखो ये a है, ये b 0 है ना, a है, तो 4ax वाई स्क्वायर आएगा, और ये निगेटिव है, इसलिए निगेटिव वैल्यू रख दो, y² = -4 × a, a इज 7 × x, सो y² = 4 7 28x। सो काफ़ी आसान है, इस तरह से आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से लिखना चाहिए आपको, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से सॉल्यूशन लिख के एक एक लाइन लिखिए, डायग्राम ड्रॉ कीजिए, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम, प्रेजेंटेशन अच्छे से कीजिए, फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम ही है ऐसे, खाली थोड़े थोड़े जो यहाँ पर एक्सिस अलग दिया है और पॉइंट के हिसाब से हमें करना है, इक्वेशन फाइंड करना है पैराबोला का, वर्टेक्स ओरिजिन है, एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट है, दो क्वेश्चन है फिफ्थ के अंदर, डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते। सबसे पहले आपको एक्स और वाई एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर लेना चाहिए, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब देखो वर्टेक्स ओरिजिन, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको ये ओरिजिन है ना, ये वर्टेक्स दिया होगा, ठीक है, एक्सिस एक्स एक्सिस, यानी ये जो एक्सिस है ये हमारा एक्सिस है पैराबोला का, यानी हमारा पैराबोला ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। अब ये पॉइंट देखते हैं, 1, -6, 1 एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है यानी यहाँ होगा, इसमें 1, -6 निगेटिव है यानी यहाँ होगा, यानी 1, -6, 1 यहाँ पर कहीं हो हमारा जो पॉइंट हो सकता है। तो अब क्या करना है, ये पैराबोला कैसे होगा, इसका एक्स एक्सिस दिया हुआ ना एक्स, तो यहाँ तो होगा नहीं, ये पॉइंट यहाँ है, तो ऐसे होगा इस तरह से, कोई एक पैराबोला होगा इस तरह से जो इस पॉइंट से होकर जाता होगा ऐसे, ठीक है, एक रफ डायग्राम आपको बनाना है। अभी इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करें, ये जो पैराबोला होता है ये स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, ये इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax। अगेन आप क्या करोगे, 1 और -6, एक्स की जगह पर 1 रख दो, वाई की जगह पर -6 रखो, ऐसा करने से आपको ए की वैल्यू मिलेगी, और वो ए वैल्यू वापस से इस इक्वेशन में पुट करो तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगी। इसका बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे हमने किया है इसलिए मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आप खुद सॉल्व करो। 2, 3 बिल्कुल ऐसे ही है, आप क्या करो, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना, एक्स एंड वाई एक्सिस, अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस बोला है, यानी पैराबोला हमारा ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। पॉइंट कहाँ है देखो, 2, 3, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर कहीं पर है 2, 3, ऐसा पॉइंट है ये 2, 3, यानी कि पैराबोला ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा, यहाँ वर्टेक्स से टच होकर जाता है ये, तो ऐसा पैराबोला है। इसका वापस से देखेंगे, y² = 4ax होता है। अब ये x और ये y, यहाँ वैल्यू रखो, x की जगह पर 2, y की जगह पर 3, ऐसा रखने से एक ही वैल्यू आएगी, और वापस इस इक्वेशन में एक ही वैल्यू जो भी आई है वो रख देना, तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं, 6th वाला क्वेश्चन, एक पैराबोला दिया हुआ है 3y² = 16x। इस पैराबोले के लिए दो पॉइंट अलग अलग दिए गए। अभी सबसे पहले ये जो पॉइंट दिया है, फाइंड पैरामीटर ऑफ दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट दिया है इसका पैरामीटर फाइंड करना है। किसी भी पॉइंट का पैरामीटर क्या होता है, ध्यान से देखो, पैरामीटर ऑफ एनी पॉइंट, ओके, समझो पी टी, पी एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी है,
इसका जो पैरामीटर होगा इसके लिए इस तरह से 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये फॉर्मूला होता है पैरामीटर के लिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक्स कॉमा वाई, इससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे किया जाए, देखो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर मतलब हमें फाइंड करना है टी, ये जो टी होता है ना ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है, वी हैव इक्वेशन 3y² = 16x। अब ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, y² = x, इससे पता चला। बट वाई स्क्वायर को अकेला कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3 उस तरफ गया तो 16/3x। तो अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला आ गया। इसके बाद यहाँ पर इसको अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ y² = 4ax, ऐसे लिखता हूँ मैं, कंपेयर करते हैं इसको। सो ये जो 4a है दैट इज इक्वल टू 4a = 16/3। सो जो a आ जाएगा 16/3, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई डिनोमीटर में हुआ, 4 जा और a मिल गया 4/3। सो a की वैल्यू आ चुकी है, ओके a वैल्यू आ चुकी है। और ये जो पॉइंट है यहाँ से मैं कर सकता हूँ x कॉमा वाई, तो x की वैल्यू है 3 एंड y वैल्यू इज़ वॉट -4। तो ये वैल्यूज़ मैं यूज़ करूँगा पैरामीटर फाइंड करने के लिए। अब हम लोग वापस यहाँ पर लिखता हूँ मैं आपके लिए कि पैरामीटर ऑफ पॉइंट इज क्या है, पैरामीटर ऑफ पॉइंट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280। इसको अगर कंपेयर करेंगे x कॉमा वाई से तो ये x होता है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, एंड ये जो होता है y इज 280। अब देखो x और y की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, यहाँ रख दो। x कितना है देखो 3, a 4/3 टी स्क्वायर। अब ये इस तरफ आएगा 3 × 3, 4 नीचे आ गया, टी स्क्वायर, 3 × 3 = 9/4 टी स्क्वायर। सो टी क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 प्लस माइनस, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। टी की दो दो वैल्यू आई, तो दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी उसके लिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। एंड वाई, वाई इज -4 ईयर, -4 इज इक्वल टू 2 ए, ए देखो क्या है 4/3 है, यहाँ से ए इज 4/3 × t, एंड -4 इज इक्वल टू 2 × 4 = 8/3 × t। सॉल्व करेंगे ये हो गया -4 × 3 - 12, 8 यहाँ पर आया, तो इस तरह से इज इक्वल टू टी, 4 × 2 = 4 × 3 = यानी क्या आ रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है टी इज इक्वल टू -3/2। एक ही सिंगल वैल्यू आई, यहाँ पर दो दो वैल्यू आई थी प्लस माइनस, तो दोनों में कॉमन क्या है, टी इज इक्वल टू -3/2, देयर फोर टी वैल्यू इज वॉट फाइनली -3/2। यहाँ पर प्लस माइनस है, सिर्फ माइनस दोनों में आ रहा है, तो ये पैरामीटर हुआ। तो कभी भी याद रखो किसी भी पैराबोला के लिए पैरामीटर निकालना होता तो इस तरह से हम करते हैं। अभी ए एक पॉइंट था 3 - 4, ऐसे ही एक बी पॉइंट दिया हुआ है ये, तो इसको भी सेम करोगे, 3 - 4 था, 27 - 12 है। तो जैसे मैंने यहाँ बताया सेम तरीके से आप करना, आपको ये आ जाएगा, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये दिया हुआ है, तो यहाँ से इतना तो सेम रहेगा, ये यहाँ तक सेम रहेगा। फिर इसके बाद जो ये एक्स वैल्यू है, एक्स 27 और वाई -12 लेना, ये जो था ना ये दोनों वैल्यू चेंज होगी, यहाँ तक सेम होगा, और ये करके टी निकालना है। इसके लिए खुद से करो वो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन पैराबोला y² = 16x। एक पैराबोला दिया हुआ है हुज ऑर्डिनेट इज 2 times द एब्सिसा। यहाँ पर एक वर्ड आया ऑर्डिनेट और एब्सिसा, इसको जरा ध्यान से देखना क्या है। डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपके समझने के लिए, एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पर है, जो पैराबोला है y² = 16x स्टैंडर्ड पैराबोला है, मतलब इस तरह का एक पैराबोला है जो यहाँ पर टच होकर जा रहा है, y² = 16x, ध्यान से देखना। अब ये ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, देखो कोई एक पॉइंट अगर है, सपोज पॉइंट पी इज 2, 3 सपोज, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये याद रखना है। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। अब समझो इसको क्या है, ओके ध्यान से देखना। इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लिखते हैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या है, देखो y² = 16x ये दिया हुआ है, इसको कंपेयर करोगे y² = 4ax, सो 4a इज 16, देयरफॉर 4a इज इक्वल टू 16 यहाँ लिखोगे कंपेयरिंग विद, ऐसे लिखना चाहिए आपको, a इज व्हाट 16/4, 4, ठीक है। तो a आ गया 4, लेकिन करना क्या है, फाइंड फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, देखो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, फोकल डिस्टेंस का
एक्स प्लस ए, स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए एक्स प्लस ए ये फोकल डिस्टेंस होता है। ओके तो कैसे करेंगे, ए तो पता चल गया 4, अब यहाँ पर जो कोई भी एक पॉइंट है फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का जो एक्स कॉमा वाई होगा, जो एक्स वैल्यू होगी वो ये लेना है, कैसे आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन पैराबोला सपोज एक्स कॉमा वाई हुज ऑर्डिनेट इज गिवन दैट, गिवन दैट ऑर्डिनेट इज, ऑर्डिनेट मतलब वाई, गिवन दैट ऑर्डिनेट इज वाई इज टू टाइम्स एफसीसा, एफसीसा मतलब एक्स, ये कंडीशन दी हुई है। अब क्या करते हैं, ये जो कंडीशन है वाई इज इक्वल टू 2x, इसको यूज़ करके हम लोग को फोकल डिस्टेंस के लिए x और a चाहिए, a हमने फाइंड कर लिया है, x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन था पैराबोला का ये और ये दोनों को सॉल्व कर दे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या हो जाएगा देखो, y स्क्वायर, y मतलब 2x, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, सॉल्व करके देखते हैं कि हमें x की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है। सो 2x स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, 16x। अब देखो चाहे तो यहाँ पर x x कैंसिल कर सकते हो, बट ऐसा कैंसिल मत करना, क्या करो 4x स्क्वायर 16x को यहाँ लाओ, माइनस 16x इक्वल टू 0। अब आगे क्या होगा देखो, यहाँ पर 4x कॉमन, 4x कॉमन यहाँ रह जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 उस तरफ गया तो 0, या तो ऐसे करो 4x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इस तरह से। सो x इज इक्वल टू 4 गया तो 0 और x इज इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू दो दो आ गई, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है, यानी जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ भी हो सकता है या कहीं और भी हो सकता है, दो दो पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर। तो देयरफॉर फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस a इज, यहाँ पर आप लिखोगे फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, दो दो पॉइंट आया x 0 और 4, क्या आ जाएगा फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस a, x क्या है 0 प्लस a, a 4 है, यहाँ से देखो a 4 है, सो 4 आ गया, और यहाँ पर फोकल डिस्टेंस क्या आएगा, फोकल डिस्टेंस दोनों पॉइंट के लिए हमने निकाल लिया इज इक्वल टू x प्लस a, x इतना है 4 और a है 4, x प्लस a दोनों 4 है, सो 8 डिस्टेंस है, आप यूनिट लिख दो यहाँ पर यूनिट। तो इस तरह से जो क्वेश्चन का आंसर है क्या आया, फोकल डिस्टेंस कैन बी 4 यूनिट और 8 यूनिट। ये जो पॉइंट है फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये जो फोकस होता है इस फोकस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो इट कैन बी 4 यूनिट और 8 यूनिट, सॉल्व हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, ऑल्सो फाइंड फोकल डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से देखो, इस तरह से कोई एक पैराबोला है अगर, तो इसके ऊपर एक पॉइंट है पी, ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई ये कितना होगा वो पता करो, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। पैराबोला क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, अच्छा इसके अंदर और क्या बोला, पॉइंट तो पता करो बाद में उसका फोकल डिस्टेंस पता करो। फोकल डिस्टेंस कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने जैसे सिखाया वैसे, एक्स प्लस ए फॉर्मूला जो था वो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला है, राइट साइड का ये पैराबोला है, यहाँ से अगर a निकालना है तो कैसे आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से आप कंपेयर करते हो, सो 4a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 3, सबसे पहले तो a हमेशा फाइंड कर लेने का, सो a आ गया 3, a मतलब इसका जो फोकस है a कॉमा 0 यानी 3,0 है। अभी क्या बोला देखो, हुज पैरामीटर इज 1/3, पैरामीटर क्या होता है, t होता है, t याद रखो, पैरामीटर इज t, पैरामीटर दिया है, और अभी हमको ये पॉइंट निकालने बोला पी एक्स कॉमा वाई, वी हैव पैरामीटर का आपको पता ही है, p पैरामीटर है, सो दैट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये होता है, ये जो होता है x होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, एंड ये जो होता है ना ये y होता है, y 280, हम लोग को x और y निकालना है, सीधा ये फॉर्मूले में वैल्यू रखो आ जाएगा, बहुत आसान है, x इज a, a वी नो 3, t स्क्वायर, t इज 1/3, इट्स स्क्वायर, y 2a, a 3 एंड टी इज 1/3, 3 कैंसल, सो y इज 2 1 2, y आ गया 2, एंड यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 स्क्वायर इज 9, 1 स्क्वायर इज 1, 3 इज 9, सो x इज 1/3, ये आ गया, x और y आ गए, तो इससे क्या हो गया, हमारा जो पॉइंट है वो आ गया, p पॉइंट जो था ये x कॉमा वाई, दैट इज इक्वल टू x इज वॉट 1/3 एंड y इज 2,
तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट था फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, ये पॉइंट हमें मिल गया। अभी फाइंड फोकल डिस्टेंस, वो भी आसान है। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, देखो एक्स प्लस ए ये डिस्टेंस है, ये कभी निगेटिव में नहीं होगा, इसलिए कभी आप इसको मॉड भी दे सकते हो जिससे ये निगेटिव नहीं हो। ओके, फिलहाल यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो मॉड देने की जरूरत नहीं है, मॉड दिया तो भी चलेगा। मॉड का मतलब क्या होगा, अंदर निगेटिव है तो भी पॉजिटिव आ जाएगा वैल्यू, बिकॉज ये डिस्टेंस है। सो एक्स, एक्स इज वन अपॉन थ्री प्लस ए, ए इज थ्री, ए इज थ्री एंड एक्स वैल्यू इज हियर वन अपॉन थ्री। सो सॉल्व करेंगे, थ्री थ्री था नाइन प्लस वन टेन अपॉन थ्री यूनिट। तो ये क्या आ गया, इसका फोकल डिस्टेंस है। अभी सेम क्वेश्चन एट में जो फर्स्ट किया है, यहाँ पर सेकेंड भी सेम वे से करना है। खाली ये ध्यान रखो, यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन एक्स, ये टू इंटू यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन एक्स अपॉन टू आ गया। करना कैसे है, सबसे पहले ए वैल्यू फाइंड कर लोगे यहाँ से। ए वैल्यू आने के बाद टी वैल्यू दिया है, यहाँ पर टी क्या है, माइनस टू है। और सेम ये फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स इज एटी स्क्वायर एंड जो वाई है टू एटी, वैल्यूज रख दो और ये भी वैसे ही आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नाइन्थ वाला, फॉर दी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज फोकल डिस्टेंस इज 17। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक पैराबोला है इस तरह से, ये पैराबोला है एक्स एंड वाई एक्सिस। इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, सपोज एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, इसका जो फोकस होता है फोकस एफ, इस F से जो डिस्टेंस है वो फोकल डिस्टेंस 17 दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, सो आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हो, वी हैव क्या है, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, कंपेयरिंग दिस विथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सो फोर ए इज इक्वल टू फोर, यहाँ लिखना है कंपेयरिंग। ओके, सो ए कितना आ गया, वन आ गया, फोर अपॉन फोर वन आ गया, ए आ चुका है। अभी फोकल डिस्टेंस दिया हुआ है 17, यू कैन राइट फोकल डिस्टेंस इज गिवेन दैट इज 17 एंड वी हैव फोकल डिस्टेंस फॉर्मूला। फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हम कब से कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में एक्स प्लस ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोकल डिस्टेंस, बट फोकल डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवेन दैट इज 17 और एक्स नहीं पता, ए तो पता है 1। अब 1 इस तरफ आया तो 17 माइनस 1 इज एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 16, हम लोग को एक्स की वैल्यू पता चल गई। बट ये जो पॉइंट है उसमें एक्स तो पता चल गया, बट वाई क्या, तो वाई के लिए हम यहाँ पर कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते, जैसे ये भी यूज़ कर सकते हैं, गिवन इक्वेशन था ना। ओके, फ्रॉम वन यू कैन राइट फ्रॉम वन एंड गिव इट वन, क्या आ जाएगा, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू एक्स, एक्स यानी 16, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, फोर जा 64 एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, 64 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, प्लस माइनस 8, ऐसे करते हैं यहाँ पर रूट 64 एंड दैट विल बी प्लस माइनस, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव आता है। सो अब जो पॉइंट आया था, एक्स क्या आया था 16, वाई क्या आया था प्लस माइनस 8, देयरफॉर पी इज इक्वल टू एक्स 16 कॉमा प्लस 8 और पी इज इक्वल टू 16 कॉमा माइनस 8, यानी प्लस 8 या माइनस 8 कोई भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट P है, यहाँ पर दो दो पॉइंट हमको मिल रहा है, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई, दोनों ही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे इसको। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज पासिंग थ्रू 2, -6, यानी जो लेटेस्ट रेक्टम होता है उसका लेंथ फाइंड करना है। क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम, देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड पैराबोला अगर ये है इस तरह से, अगर ये टच है, ये यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम होता है जो फोकस से पास होता है, 1, 0 फोकस होता है, और इसका जो लेंथ होता है 4a होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये फाइंड करना है, दैट इज l l डैश 4a फाइंड करना है। 4a कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये l होगा तो ये l डैश, हाँ इसके लेंथ को l l डैश को a की वैल्यू पता होनी चाहिए, बट यहाँ a की वैल्यू पता है क्या, देखो अरे इसके अंदर a जो ऑलरेडी a दिया हुआ है तो a की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये जो पैराबोला है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है 2, -6। तो हम लोग क्या करते हैं कि पुट ये जो x और ये y वैल्यू रखते हैं, x इज 2 y इज माइनस, इससे क्या होगा a वैल्यू पता चलेगा, a आ गया तो यहाँ a रख देंगे, तो कैसे आ गया y, y इज व्हाट -6 स्क्वायर 4 इंटू a इंटू x, इस तरह से -6 स्क्वायर इज 36 प्लस हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 इंटू a,
ए आ जाएगा 36 अपॉन 8, 4 टू जा 8, 4 9 जा, ए आया 9 अपॉन 2। अब लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता है, देखो यहाँ पर आप लिखोगे लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 4 टाइम ए, 4 टाइम ए, ए वैल्यू इज 9 अपॉन 2, 2 टू जा 4, 9 टू जा 18। अब यूनिट लिख दो यहाँ पर बिकॉज ये लेंथ है। तो इस तरह से काफ़ी आसान क्वेश्चन था टेंथ वाला भी। तो ये जो पैराबोला यहाँ पर हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के अंदर, इसके अंदर अभी जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर टोटल हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसमें 20 क्वेश्चंस है ओनली पैराबोला के अंदर। जैसे कि आपने बेसिक में देखा था कि कोनिक्स, ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। तो जिसका पहला पार्ट है पैराबोला और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पूरा पैराबोला पर बेस्ड है, पैराबोला के बेसिक्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 7.1 में, जिसमें से हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो काफ़ी आसान थे। सिर्फ आपको जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है फिलहाल उसके सारे के सारे जो फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लैटस रेक्टम के जो भी वैल्यूज़ है वो याद रखना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे।